हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है सभी का। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट इकाई के अंक का प्रैक्टिस सेट। मतलब इसमें हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने इसका जो बेसिक फॉर्म होती है वो सभी कर ली थी कि जब पावर आ जाए किसी नंबर का, जो भी बेसिक बेसिक चीजें थी वो कर ली थी। जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं लगाया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वीडियो के ऊपर भी आ रहा है, उसे भी जरूर कवर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इसे शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, आपको मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगा। तो पहला काम क्या है आपका, सबसे पहले आपने अपने आप क्वेश्चन को जरूर करना है, ठीक है। अभी वीडियो को रोककर पॉज कर और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे अपने आप जरूर करना है, ताकि आपको पता चले कि जो चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ कमी आ रही है वो सारी चीजें देखें। देखो, मैथ में बढ़िया पकड़ बनाना मतलब प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करना। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपनी मैथ में क्या होगी, पकड़ बढ़िया बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले दो दो चार क्वेश्चन सिंपल लेकर चलूंगा, आगे आगे लेवल के भी आएंगे। जैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 18 गुना 29 गुना 32 गुना 39। तो इसमें क्या आएगा, फाइंड यूनिट यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक पता करें। तो जब इस नंबर को आप समय गुना करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, एक बार अपने आप जरूर करना भी। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। तो 18 को 29 से गुना नहीं करना, इनके क्या करेंगे हम, लास्ट वाले अंक यूनिट डिजिट उठा लेंगे। तो क्या आएगा, 8 को 9 से करेंगे 9 8 72, 2 को 9 से करेंगे 18। अब 72 को 18 से गुना नहीं करना, फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। इन दोनों के क्या करते हैं हम, लास्ट वाले उठा लेते हैं, 8 दूनी 16। तो इसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा वही इस नंबर को गुना करने से, मानो ये अंक आएगा तो लास्ट वाला क्या आएगा, इसका 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना 6। कहने का भाव, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरी स्टेटमेंट का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा, 6। जिन कैंडिडेट का ये ठीक है कमेंट सेशन में जरूर बताना भी, ताकि मुझे मुझे पता चलता रहे कि आपका लेवल कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, इसे भी आपने अपने आप जरूर करना है। अभी जो भी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा अपने आप जरूर करना, ताकि वो बढ़िया से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है अभी। तो इसको देखो, 216 315 187 917। अब ध्यान से देखना, मैंने एक बात बोली थी आपको, जब भी गुना में हमें क्या देखने को मिले, 5। जब भी गुना में क्या देखने को मिले, 5। अगर 5 के साथ कोई भी इवन डिजिट, इवन मतलब सम संख्याएं पंजाबी में बोले तो जिस्त संख्याएं, या फिर 5 के साथ ओड डिजिट गुना हो रहा हो, ओड डिजिट, जब 5 के साथ इवन नंबर गुना हो तो अपना यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। देखो, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, अगर 4 से करेंगे 20, 6 से करेंगे 30, 8 से 40, मतलब लास्ट में क्या आ रही है, हमेशा 0। अगर ओड नंबर है जैसे 3 5 7 9, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 5। तो उम्मीद करता हूँ ये हमने पहले भी कर चुके हैं, जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट लेक्चर नहीं किया उसे भी जरूर करें। तो देखो, 1 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये दोनों तो है ओड नंबर, ठीक है, जिसको हम टांक संख्या या फिर विषम संख्या बोलते हैं। तो एक क्या आ रहा है इसमें, इवन नंबर। तो अगर हमें एट लिस्ट कम से कम एक भी इवन नंबर मिल जाए, किसके साथ, 5 के साथ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। तो सीधा देखते ही इस क्वेश्चन का हम आंसर बता सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। और उम्मीद करता हूं आप सभी ने भी ये क्वेश्चन ठीक किया होगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि इसको अलग से करें, इसको अलग से करें, क्योंकि 5 आ रहा है। 5 वाला कंसेप्ट क्या है, फिर से समझ लो, जब इवन नंबर से गुना हो तो 0, ओड नंबर से गुना हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, इसे अच्छे से नोट कर लेना अभी। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखा जी। थर्ड क्वेश्चन अपना बोलता है 724 की पावर 701 मिनट, 721 की पावर 187 गुना 175 155, 155 की पावर 919 गुना
316 की पावर 185, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, जब हमने पावर एंड इंडेक्स, मतलब जब किसी नंबर पर कोई पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हमने किन बातों पर चर्चा की थी? हमने इसके तीन पार्ट किए थे, जब बीच वाले नंबर के लास्ट में 1, 5, 6 और 0 हो वो पार्ट ए में रखा था, जब लास्ट में 4 और 9 हो वो पार्ट बी में रखा था, जब लास्ट में 2, 8, 3 और 7 हो वो पार्ट सी में रखा था। वो सारी बातें हम कर चुके हैं, तो साथ में सीखते भी जाएंगे, एक बार अपने आप जरूर करना भी, और कई स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा, ठीक है भी? तो देखो, जब भी यूनिट डिजिट एक हो, एक की पावर कितनी मर्जी हो तो वो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ये भी, हाँ जी, देखो एक की पावर कितनी मर्जी हो वो एक रहेगा। अब लास्ट में क्या है? 5। 5 की कितनी मर्जी पावर करते जाओ, 5 को आपस में कितनी बार मर्जी गुना करते जाओ, तो लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। वही सेम बात 6 में, 6 की कितनी मर्जी पावर कर लो वो कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब ये इनको आपस में गुना करते हैं, 1 से किया तो 5 ही रहेगा, 5 6 का कितना होगा? 30। तो इस पूरी संख्या का जब हम सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला डिजिट जिसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, वो क्या आएगा? इसका 0 आएगा। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हम सीधा भी बता सकते हैं वो कैसे, क्योंकि इसका 5 है, यहाँ पर क्या आ रहा है? इवन नंबर, तो भी क्या आएगा? अपना 0 आएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करके, समझकर नोट करते जाना। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और उम्मीद है कि आगे आने वाले पेपर में भी आपको देखने में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत आना भी। देखो, फ्री के नंबर है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी, फोर्थ क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, 724 की पावर 127 गुना 239 की पावर 108। तो अब लास्ट में क्या आ रहा है? ये हम कैटेगरी पार्ट बी, जो हमने पावर वाले में पार्ट बी किया था उसमें कर रहे हैं। लास्ट में जब क्या है, स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं भी, जब 4 और 9 आए, तो जब 4 की पावर एक इवन, सॉरी ओड नंबर हो तो लास्ट में क्या आता है? 4। 4 की पावर इवन नंबर हो तो लास्ट में क्या आता है? 6। सेम सेंस किसमें लगाएंगे? 9 में। जब 9 की पावर एक ओड नंबर हो तो 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 1। तो ये बातें भी हम कर चुके हैं। तो 4 की पावर 127 ये कौन सा नंबर है? अभी ये एक ओड नंबर है, तो 4 की पावर जब भी ओड नंबर हो, अगर 4 की पावर हम 3 करते हैं ना, अगर 4 की पावर हम 3 करते हैं तो 64 होगा, तो लास्ट में 4 आएगा। मतलब जब 4 की पावर लास्ट में 4 आ रहा है, इसकी पावर एक ओड नंबर हो तो इसका इकाई का अंक, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। अब ये पावर क्या है? अभी ये इवन नंबर, किसकी? लास्ट डिजिट 9 की, यूनिट डिजिट 9 की। तो इवन नंबर, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1। तो 4 को 1 से गुना करेंगे, 4। तो ओवरऑल अपना आंसर इसका क्या आएगा? 4। मतलब इस सभी स्टेटमेंट को सॉल्व कर देने से यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 4। तो उम्मीद करता हूं आप सभी का भी ये ठीक होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन का। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल की ओर बढ़ रहे हैं अभी, तो हर एक चीज को बढ़िया से नोट करते जाना भी, क्योंकि आगे ये सभी आपके जो हाथ से नोट किया हुआ ये काफी काम आने वाला है। देखो, जो चीज हम अपने हाथ से बनाते हैं ना, जो भी नोट्स वगैरह अपने हाथ से बनाते हैं, वो हमें कभी भूलते नहीं है, तो बढ़िया से याद रहते हैं, और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होता है, ठीक है, इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अदरवाइज हम सीधा देखो, मैथ को तो जितना हम सॉल्व करेंगे उतना ही कम है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, लेकिन मैथ को हम जितना सॉल्व करेंगे उतना ही कम है, तो जितनी प्रैक्टिस रहे बढ़िया भी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें भी, 5 नंबर क्वेश्चन अपने आप जरूर करना भी। 217 की पावर 413 गुणा 822 की पावर 624। तो
अब ये पार्ट, ये अपना किसका पार्ट सी में आता है, जिसमें लास्ट में क्या होता है, जिसमें लास्ट में होता है 2, 3, 7 और 8। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 7 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो इसमें एक मैंने बात बोली थी, दोबारा से फिर बता देता हूं, जब ऐसा आ जाए इन तीनों, इन चारों में से लास्ट में कोई भी आ जाए, ऊपर कितनी भी बड़ी पावर हो, ऊपर कितनी भी बड़ी पावर हो, तो हमने क्या करना है, हमने पावर को 4 से डिवाइड, पावर को 4 से क्या करना है, भाग करना है, जो भी बाकी बचेगा, जो भी बाकी बचेगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसके अकॉर्डिंग फर्दर आगे बताता हूं। तो पहले पावर को, इसकी पावर को 4 से डिवाइड किया, तो 413 को 4 से डिवाइड करने का मतलब लास्ट वाले दो डिजिट से चेक कर लेंगे, 4 3 12 होता है, तो कितना बाकी बच रहा है, इसमें बाकी बच रहा है, बाकी बच रहा है 1। तो जब बाकी 1 बचे, तो जितना बाकी बचे 7 की हम क्या कर देते हैं, वही पावर, इसमें क्या आएगा, 7 की पावर 1 गुना, ये हम सीधा कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हम कर चुके हैं। अब इसको 2 आ रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे किसको, पावर को, तो 624 को, 624 को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट वाले में देख लेते हैं, ये पूरा पूरा कट रहा है 24, तो बाकी कितना बच रहा है, तो बाकी कितना बच रहा है, 0। तो जब 0 बाकी बचे, तो हम 2 की पावर क्या करेंगे, 4। ध्यान से समझो, दोबारा सुन लो, जब अपने पास, ये आप इसको याद रखना, जब अपने पास पावर को 4 से डिवाइड करने से बाकी बचे 1 2 या 3, 1 2 या 3 बाकी बचे, तो इसी नंबर की, लास्ट वाले नंबर की उतनी पावर कर देना, 1 2 3। जब बाकी बचे 0, तो हमने पावर क्या करनी है, पावर क्या करनी है, 4। ये आप याद रख लो, बढ़िया से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर किसी को ये नहीं पता चल रहा, पहले वाला लेक्चर लगा लेना, उसमें हम सारी चीजें सीख चुके हैं। तो बस इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, 7 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 को 7 से गुना नहीं करेंगे, 7 को 6 से करेंगे, तो कितना आएगा, 42। तो लास्ट वाला डिजिट इसका क्या आने वाला है, लास्ट वाला डिजिट क्या आने वाला है, 2। लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा, 2। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इनमें से जिनका यूनिक डिजिट 2 3 7 होता है, पेपर में आता ही आता है, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छे से ये कंसेप्ट समझ लो, फिर से बता देता हूँ, पावर को करें 4 से डिवाइड, जो बचे बाकी, अगर तो अपना बाकी बच रहा है 1 2 3, तो वही इस नंबर की क्या कर देंगे, पावर, अगर बाकी बच रहा है 0, जैसे इस केस में बचा था, तो पावर कितनी करेंगे, 4। बस ये दो बातें याद रखनी है, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपके पास ही रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी, 6 नंबर क्वेश्चन है, 171 की पावर 250 गुना 290 की पावर 131 प्लस, हाँ जी, प्लस 155 की पावर 281 गुना 136 की पावर 912। तो इस बात को समझें, अब बीच में इधर गुना आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, तो पहले अपने आप जरूर करना भी, ठीक है, वीडियो को रोककर पॉज करकर अपने आप जरूर करना, ताकि पता चले कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जब लास्ट डिजिट 1 हो, पावर कितनी मर्जी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा, गुना, जब 0 हो, पावर कितनी मर्जी हो, क्या आएगा, 0। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इधर ब्रैकेट, 5 हो, पावर कितनी मर्जी हो, तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा, 5। वही बात, 6 की पावर कितनी मर्जी हो, तो कितना आएगा, 6। तो ये अपना 1 को 0 से गुना करेंगे, 0, 5 को 6 से करेंगे, 30। तो 0 में 30 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 30। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर अपना लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ऐसे मत कर देना, अगर हम गुना करेंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी, ये तो बाय चांस 0 आ रहा है। अब बढ़ते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, इसे अच्छे से नोट कर लेना भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, 214 की पावर
214 की पावर 283 और ऊपर इसकी पावर कितनी है, लिखते हैं 112। इसका यूनिट डिजिट बताएं, इकाई का अंक बताएं। तो पहले ये आपने अपने आप जरूर करना भी, क्योंकि खुद की की हुई कोशिश हमें बताती है कि अपना लेवल क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं। एक बात ध्यान रखना भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नौकरी चाहिए तो एक तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद में कमी ढूंढोगे कि कमी कहाँ पर रह रही है। ठीक है, बढ़िया से कमी कहाँ पर रह रही है उस पर फोकस जरूर करना, तभी आप जॉब में आ पाएंगे। और हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, चीजों को बढ़िया से समझकर। ऐसा नहीं कि पढ़ने लगे हुए आगे पता नहीं चल रहा क्वेश्चन किस टाइप का ना, तो दोनों चीजें लेकर चलते हैं, सिलेबस और एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे करते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में किया था, ए की पावर एम ऊपर पावर एम, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में क्या आ जाती है, गुणा। तो अब ये पावर के ऊपर पावर है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, 214 की पावर 283 गुना 112, 283 गुना 112, 214 की पावर। अब इंटेलिजेंट बच्चे इन दोनों को गुना करने मत बैठ जाना, सीधा क्या करके जब इनको लास्ट से गुना करेंगे, तीन दुनी कितना आता है 6, मतलब ये पावर क्या आएगी, एक इवन नंबर, पावर क्या आएगी इवन नंबर। तो 4 की पावर आप 6 मान लो या फिर इवन नंबर, तो 4 की पावर जब इवन नंबर 2 पर करते हैं तो कितना आता है 16। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना, यूनिट डिजिट अपना क्या आएगा 6 आएगा। दोबारा से सुन लो, जब इसको गुना करेंगे बड़े से बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उसके लास्ट में क्या आएगा 6, जब लास्ट में 6 आ रहा है तो ये एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, जब इवन नंबर आ रहा है, जब 4 की पावर ओड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, इवन नंबर होता है यूनिट डिजिट 6 होता है, तो 6 अपना क्या आएगा। इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अगर आप इस लेक्चर को लगा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, तो इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो कि यहाँ पर ये हमें नहीं समझ लग रहा ऐसा, तो कमेंट सेशन में जरूर बताना भी, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन देखें, 515 गुना 941 गुना 253 प्लस 418 गुना 217 गुना 198। तो इसका यूनिट डिजिट बताएं, इकाई का अंक बताएं। तो पहले अपनी खुद की कोशिश जरूर करें। तो देखो सबसे पहली बात, 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, ओड नंबर। तो इस पूरे का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा, ये बात हम बढ़िया से कर चुके हैं। प्लस 8 7 8, तो 8 को 7 से करते हैं 56, यहां पर कितना है 8। अब 56 को 56 को 56 को 8 से नहीं करना, 6 को 8 से करेंगे, 8 से क्या आता है 48, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। 8 और 5 प्लस आ रहा है तो कितना आएगा 13, तो लास्ट में क्या आएगा 3। समझ पा रहे हो सभी, दोबारा से सुन लो, 8 को 7 से किया 56, चाहे आप 8 को 8 से कर लो कोई बात नहीं, 7 4 28 होता है, मतलब फिर 6 को 8 से करेंगे लास्ट में 8 आएगा, इधर 8 लिखा तो प्लस है तो इनको जोड़ेंगे, प्लस है तो इनको जोड़ेंगे, जब जोड़ा तो 13 आ रहा है, मतलब हमें 13 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए यूनिट डिजिट, अपने को क्या चाहिए यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3, ये सभी ने कमेंट में जरूर बताना जिसका ठीक हुआ हो। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करके लिए देते हैं, प्लस 4 × 5 पावर
अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, मतलब ये भी आया इसी के साथ का, तो ये आपने अपने आप जरूर करना और कमेंट में आंसर जरूर बताना। अगर किसी कैंडिडेट का ये सॉल्व ना हो वो भी जरूर बताना, हम जरूर सॉल्व करवाएंगे। तो ये आपका होमवर्क आप तो समझ ले, एक बार इसे कोशिश जरूर करके लाना। देखो लास्ट में 7 भी आ रहा, हिंट दे देते 5 आ रहा, 8 आ रहा, 4 आ रहा, 1 आ रहा। तो जो हमने पावर वाले में सभी 3 पार्ट किए थे वो सभी इसमें यूज होंगे। तो बढ़िया जिसको करके आना, स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, बस देखने में थोड़े से बड़े नंबर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने कंसेप्ट की ओर, इसे जरूर करना भी, इससे पता चलेगा कि हमने क्या सीखा, कहां पर हमने प्रोग्रेस किया, कहां पर कमियां आ रही हैं, वो सारी चीजें। अब बात करते हैं जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, फैक्टोरियल। अब कुछ कैंडिडेट को ये नहीं पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि सभी ने मैथ 10th तक नहीं किया, सॉरी सभी ने मैथ आगे नहीं किया होता, 10th तक किया होता। तो फैक्टोरियल क्या होता है, देखो जैसे मैं लिख दूं 4, ऐसा एक साइन होता है फैक्टोरियल का, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसा साइन होता है, ये दोनों फैक्टोरियल के साइन होते हैं। अब इसको ओपन कैसे करते हैं पहले वो सुनो। तो पहले लिखेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब एक एक नंबर क्या करते जाना, कम करते जाना। सेम इसमें यहाँ पर 5 लिख देते हैं, साइन दोनों के सेम होते हैं भी। तो क्या आएगा, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1। तो जब बड़े से बड़ा फैक्टोरियल आए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बस कंसेप्ट समझ लो। एक छोटी सी बात याद रखोगी, पहले कंसेप्ट बताता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का, 5 का और 6 का। तो अब ध्यान से देखना भी, आपने 4 तक याद रखना, आगे इसमें कुछ नहीं है। वो कैसे, 1 का फैक्टोरियल होगा 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 24। अब 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना होगा अपना 24 5 120। तो 6 का फैक्टोरियल 4 रह गया, 4 3 2 और 1, ये यहां पर तो 120, 12 6 72 720। तो अब ध्यान से सुनना, बात कहां पर, कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन को करना कैसे है, वो दोनों चीजें सीखना। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं भी, ठीक है। तो देखो जब हम 1 का फैक्टोरियल करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। जब 2 का फैक्टोरियल करते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। जब 3 का करते हैं तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। जब 4 का करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। लेकिन जब 5 का कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। 6 का कर रहे हैं यूनिट डिजिट 0। अब लगेगा 7 का भी देख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1। अब ध्यान से देखना, 5 आ रहा है, 5 के साथ एक इवन नंबर भी आ रहा है, तो जो भी आएगा लास्ट में क्या आएगा 0। तो कहने का पाव 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे, ये लिख लो, नोट कर लो, 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आएगा 0। तो ये कंसेप्ट है, 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी का यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। वो कैसे, क्योंकि एक 5 आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, कम से कम एक तो इवन नंबर आ रहा है ना, इवन नंबर से 5 जब गुना होगा तो क्या हमें देगा 0। तो उसके बाद ये आप याद रख लो, या फिर सोलो करके भी देख लेना, 4 का 4 होता है, 3 का 6, 2 का 2 और 1 का 1। तो अब बढ़ते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। इसे जरूर नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन टफ नहीं है, बढ़िया से आप समझ चुके इस बात को, टफ नहीं है। तो अगर किसी को नहीं समझ लगा हो उसका ध्यान नहीं होगा, कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता उस पर चर्चा करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का, कितने तक ओपन करना हमने 25 तक। तो इसका यूनिट डिजिट बताएं, मतलब फैक्टोरियल सॉल्व करके नहीं दिखाना के क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक बताएं। हमें पता है जब हम 1 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो लास्ट में क्या आता है 1 आता है, 2 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो 2 आता है,
तीन का करते हैं तो छह आता, चार का करते हैं तो चार आता, जब पांच का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो जीरो। मैंने बोला ना पांच के आगे सभी का फैक्टोरियल जीरो, छह का भी क्या आएगा जीरो, तो आखिर में पच्चीस का भी क्या आएगा जीरो ही आएगा, क्योंकि एक पांच आ रहा है, एक क्या आ रहा है अपना इवन नंबर। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगी। तो अब इनको जोड़ना है, दो और एक तीन, तीन और छह नौ, नौ और चार कितना होगा, नौ और चार कितना होगा तेरह, अगर जीरो जोड़ेंगे तो वो तेरह ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तीन आएगा। मतलब जब इसको हम ओपन करेंगे लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, तीन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बढ़िया से क्लियर होगा। अब इसके साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपने कर से करना, इसे नोट कर लेना अभी। हाँ जी, जैसे आपको बोले दो का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल, छह का फैक्टोरियल, आठ का फैक्टोरियल, कहां तक जाना आपने 98 का फैक्टोरियल। तो इसे सोल्व करें, इसका इकाई का अंक बताएं, ये आपका कर से काम है। अभी दो क्वेश्चन हम कर से, आंसर कमेंट में बताना भी, देखो देखते ही पता चल जाएगा, बेस अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, ये सभी क्वेश्चन हम आज हम इंपोर्टेंट कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है ना, पहले हम इसका सिलेबस कर चुके हैं, प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में वो करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो बढ़िया बढ़िया पेपर में आए हुए हैं अभी, ठीक है। एक के फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस दो के फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस तीन के फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस चार के फैक्टोरियल की पावर 96 अप टू 99 के फैक्टोरियल की पावर 1। तो इसे सोल्व करें, तो अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन में है क्या और करना कैसे है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले इसको पावर को बाद में देखेंगे, पहले फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। पहले किसको ओपन करते हैं, फैक्टोरियल को। जब एक का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक। तो कहने का पावर ये क्या है, ए की पावर 99। दो का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो क्या आएगा, दो आएगा, दो की पावर 98। तीन का फैक्टोरियल करेंगे क्या आएगा, छे की पावर 97। चार का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा, 24 की पावर 96। आगे पांच का फैक्टोरियल 0 0 0, ये बात समझ गए होंगे कि जीरो की पावर जो भी है, जीरो की पावर 1। तो आगे जीरो चलेगा, क्योंकि पांच का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जीरो होता है, छह के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जीरो। तो इसी तरीके से 99 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जीरो। अपना काम सिर्फ इसमें बचा, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करते आए हैं, एक की पावर कितनी मर्जी हो तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट एक आएगा। अब दो की पावर, दो की पावर इस पर बाद में आते हैं, छह की पावर कितनी मर्जी हो क्या आएगा, छह। तो चार की पावर जब एक इवन नंबर हो तो लास्ट में क्या आएगा, छह। ये बात समझ पा रहे हो, ये बहुत बार हम कर चुके हैं, चार की पावर इवन नंबर। अब बात आती है दो की, दो की हमने पार्ट थ्री में क्या था, दो तीन सात और आठ, तो पावर को चार से क्या करना है, पावर को चार से क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, चार दूनी आठ हुआ, चार चौके सोलह। तो जो अपना बाकी बचे, बाकी कितना बचा, दो, सोलह, बाकी कितना बचा अपना, दो, ठीक है, चौबीस चौक छियानवे होता है, हाँ ठीक है, बाकी कितना बचा, दो। तो जितना बाकी बचा वो इस नंबर की क्या कर देंगे, हम पावर कर देंगे। अगर बाकी जीरो बचता, दोबारा बोल रहा, अगर यहाँ पर रिमाइंडर जीरो बचता तो हमने पावर कितनी करनी थी, चार, इस बात का ध्यान रखना भी। तो आइए करते हैं, ये एक प्लस दो की पावर दो, चार, छह प्लस छह, बस इसको जोड़ना ही है, छह और चार, चार और छह दस, दस और छह सोलह, सोलह और एक सत्रह, सोलह और एक सत्रह। तो ये अपना यूनिट डिजिट क्या आएगा, सात अपना क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन है टफ नहीं अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर भी। देखो आपके एक लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, ताजो आगे भी हम बढ़िया बढ़िया आपके लिए ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो शेयर जरूर कर देना भी, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एक और बात, कई बार कुछ स्टूडेंट सोचेंगे जो ईटीटी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि ये क्या हमारे एग्जाम में आएगा। देखो अगर मैं बोलूं तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं,
क्योंकि उन्होंने 10th तक सिलेबस बोला है, लेकिन आप फिर भी कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। बाय चांस पेपर में देखने को मिल गया तो हम कर तो पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आप ज्यादा स्ट्रेस ना लेना चाहें तो आप ना करें। बाकी जो SSC, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसे जरूर करें, फैक्टोरियल में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।